जब पति और पत्नी लड़ते हैं तो जो बच्चे होते हैं, या कहना चाहिए जब माता और पिता लड़ते हैं तब जो बच्चे होते हैं ना, सबसे बड़ी त्रासदी उनके लिए होती है। सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है? जब देखते हैं कि माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, आजकल की भाषा में मम्मी पापा कह लो, कुछ भी बात करो, लेकिन सरल वही है। माता पिता को जब लड़ते देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती उनके लिए? वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। और समस्या क्या होती उनके लिए? हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें? और इस उलझन में, इस त्रासदी में उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास थम जाता है। आप ये न माने कि आप ऐसा करके केवल बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। बच्चों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों के लिए, जानते हैं वो सबसे बढ़िया क्या है? आपस में प्रेम से रहना, दोनों। और जब दोनों प्रेम से रहते हैं, पति और पत्नी, तो बच्चे कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़े आह्लादित रहते हैं। और उस अवस्था में दोनों बहुत विकास करते हैं, बच्चे बहुत विकास करते हैं। कभी कभी जब ये बातें होती हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, अच्छा जब बच्चे न रहें तो आपस में लड़ाई कर लें। लड़ाई करने के इतने शौकी क्यों हैं? बात तो यह है। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो बैठे कई लोग हैं, जब सात फेरा लगाए थे पति और पत्नी मंडप में शादी के समय, तो एक फेरा में कभी ऐसा संकल्प लेवाए हैं किसी ने कि अब आगे चल करके दो चार साल के बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेना? ऐसा संकल्प लिए हैं? क्यों? प्रेम सहित रहने को कहा गया है ना, फिर आपस का संघर्ष क्यों? और ये भी बात बता दो, आपस में जब लड़ेंगे, भले बच्चे नहीं देख रहे हैं, बच्चों की अनुपस्थिति में आप दोनों यदि लड़े रहेंगे, जानते हैं क्या होगा? आप जब बच्चे आएंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा। हर आदमी के अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी के अंदर झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हैं। आपको जब बच्चे देखेंगे ना, तो आपको देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, शब्द बोलते हैं, तो शब्द बोलते हैं उतना ही नहीं बोलते हैं, हम बिना बोले भी बहुत बोलते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं? बिना बोले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सभी लोग समझ रहे होंगे, पूरा शरीर बोलता है आपका। मैं सच बताऊं तो पूरा शरीर, आपकी आंखें बोलती हैं। अच्छा बोलती कि नहीं बोलती आंखें? सब समझ गए अब तो, आंखें बोलती है, चेहरा बोलता है, आपके हाथ पैर बोलते हैं, और बताऊं आपके कपड़े भी बोलते हैं, और यहाँ तक के आपका हेयर स्टाइल भी बोलता है। समझ रहे ना? आखिर में आपने जो अपने बालों की कटिंग करवाई है, ये चुनाव किसने किया है? आपने तो पसंद किया है ना, आपने तो पसंद किया, मतलब क्या पसंद है? आपका व्यक्तित्व निर्मित कर रहा है वो। कैसे कपड़े पहनते हैं आप? एक बार इलाहाबाद के आश्रम में था, वही रहता ही था, तो एक सज्जन आए, बिल्कुल वो कषाय वस्त्र पहने थे, जैसे बौद्धिस्ट लोग पहनते हैं, तो पूरा ऊपर से चोंगा पहन करके आए। तो फिर मैंने कहा, वाह आप तो बौद्धिस्ट लग रहे हैं। उसने कहा, साहब हम तो गृहस्थ हैं, कोई भी रंग का कपड़ा कैसा भी पहन ले। मैंने कहा, नहीं, गृहस्थ की भी अपनी मर्यादा होती है, कैसे कोई भी पहन लेंगे आप, कैसे कोई भी कपड़ा पहन लेंगे, और आपका कपड़ा आपके बारे में बताता है, कैसे पहन लेंगे? अच्छा आप पुरुष होकर के स्त्री का कपड़ा पहन लेंगे, कैसा लगेगा? कभी पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, आपके अपने उम्र के हिसाब से सही एक नहीं है।
आपके अपनी हैसियत किस, बहुत ऐसी चीजें होती है उसके आधार पर ही आप अपने वेशभूषा का चुनाव करते हैं और उसमें अच्छे भी लगते हैं, उसमें अच्छे लगते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके कपड़े नहीं, और थोड़ा विस्तार करूं, आपका मकान भी बोलता है। क्यों? जो आपका मकान आप कह रहे हैं ना, वो आपका बड़ा शरीर है, और जो आपका शरीर है ना, वो छोटा मकान है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि उस मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, उस मकान की जो वर्तमान में व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम को किसने दिया है? आप ही ने तो दिया है, तो आपके ही द्वारा है। जैसे किसी के घर हम जाएं और वहां देखें साफ, एकदम आंगन साफ, कमरे साफ, बरामदे साफ, किचन में गए सब सामान सिस्टम से रखा हुआ है, सारे उसके बर्तन सिस्टम से रखे हैं, जो मसाला इत्यादि उसके सामान होते हैं, जो उपयोग भोजन में उपयोग की होती है, सब बिल्कुल सिस्टम से रखे हुए हैं, चूल्हा साफ, बर्तन साफ, जो कपड़े जिससे भोजनालय में उपयोग करते हैं वो कपड़े साफ, हर चीज साफ, फर्श साफ, दीवार साफ, कोई जाला, कोई मकड़ी का जाल नहीं, वो नहीं। कैसा लगेगा आपको? बता रहा है ना, इसका मतलब है इस यह गृहिणी घर की जो देवी है वो सफाई प्रेमी है। बोल रहा है, मुझे एक बात याद आई, एक श्वेट मार्डन ने एक कहानी लिखी है। कहानी क्या, उदाहरण ही होगा, मैंने पढ़ी उनकी पुस्तक में। एक घर में एक मेहमान आए और उस घर की स्वच्छता को देख करके, उस घर के व्यवस्था को देख करके, हर सामान को सिस्टम से देख करके बहुत इम्प्रेस हुआ और कहा, ओफ, मैं कई घरों में गया लेकिन इतनी स्वच्छता और इतना सिस्टम मैं कहीं नहीं देखा था, कौन करता है ये सब काम? तो जो गृह देवी थी उसने क्या कहा, दो नौकर हैं जो सारी सारे कार्य घर के करते हैं। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं बहुत सारे नौकर देखे हैं जो घर का काम देखते हैं लेकिन ऐसा मैंने कोई नौकर नहीं देखा तो इतना बढ़िया कर सके, मैं उन नौकरों से मिलना चाहता हूं। तो गृह देवी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाती है और कहती, ये है मेरे दोनों नौकर, बस यही मेरी बातों को मानते हैं और सब करते हैं। मेरा मैसेज साफ है ना, कौन करता है? वो खुद करती थी। घर, उनके घर को देखकर एक आदमी प्रभावित हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है जब हम किसी के घर जाएं तो सामान अस्त व्यस्त हो, गंदगी पड़ी हो, बच्चे ने गंदगी कर दी है, उसमें मक्खी भिनक रही है, जूते चप्पल इधर पड़े हैं और उधर कपड़े इधर उल्टा पुल्टा पड़े हैं, किचन में गए तो मक्खी भन 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 मना रही है, साफ नहीं। क्या संदेश मिल रहा है वहां से? मिल रहा है कुछ संदेश? इसका मतलब है इस गृह देवी को सफाई पसंद नहीं है, गंदगी से नफरत नहीं है, गंदगी से परहेज नहीं है। ये संदेश एक नहीं है? कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। आपके कपड़े साफ, आपके बच्चे, फिर से बता रहा हूं, आपके बच्चे आपके बारे में संदेश देते हैं। आपके बच्चे कैसे हैं? साफ सुथरे हैं, कपड़े साफ हैं, शरीर साफ है उनका, बोलने का तरीका कैसे? कौन देगा ये सबको संस्कार? कौन देगा? आप ही तो देते हैं। एक प्रश्न हुआ, गुरुदेव जी से सुना कि पूछा गया, बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? कहेंगे ना केजी से, केजी वन, क्या क्या आजकल चलता है ना बचपने से। उत्तर देने वाले ने क्या कहा? बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। मेरी बात समझ में आ गई ना? बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। तो प्रश्न करने वाले ने कहा, बच्चा ही जब जन्म नहीं लिया है उसकी शिक्षा कैसे दी जाए? तो उत्तरदाता ने क्या कहा, जो युवक और युवती
जैसे जैसा बच्चा चाहते हैं, जैसी संतान चाहते हैं, वैसा ही 20 साल पहले से बनना शुरू कर दे, उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि सांचा जैसा होगा ना ईंट वैसे ही बनेगी। आप कैसे हैं? आपके बच्चे आपकी तो फोटोकॉपी है। किसने संस्कार दिए हैं? आप ही तो दिए हैं, आपके बाहर से तो आया। कभी कभी फोन में एक ख्याल आया, फोन में बात हो रही थी एक बार, और भी ऐसे होते हैं, फोन में बात हो रही थी तो अब वो बच्चे भी बात करने लगते हैं, वो फोन से बात कर रहे हैं बच्चे, फिर और हल्ला मचाने कुछ मन लगे, तो उसने क्या कहा, ये शैतान कहीं का मुझे वो करता है, परेशान करता है। मैंने कहा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अच्छा बताओ, तुम उनको शैतान कर रहे हो तो शैतान को पैदा किसने किया है? वो बहुत शर्मा गई। शैतान को पैदा किसने किया है? कैसी बात कर रही हो? शैतान कहोगे तो शैतान बन जाएंगे, ये शब्द ही मत निकालो उनके सामने। देखिए अभी तो मैं मनोविज्ञान के विषय में नहीं बता रहा हूँ, ये जब मन के विषय में जब डीपली जब हम अध्ययन करते हैं और विस्तार से जब चर्चा करते हैं कभी, तो ये बातें आती है कि आप वह न बोलिए जो आप नहीं चाहते हैं, और यहाँ तक के आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आपको वही सोचना है जो आप चाहते हैं, वही बोले जो आप चाहते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो शैतान बने? फिर बोलते क्यों हैं? वही तो चाह रहे बार बार उसको। अब बच्चे क्या कहते हैं, उल्लू कहीं का, गधे कहीं का, तू बड़ा बदमाश है, ये शैतान है। समझ रहे हैं आप क्या डाल रहे हैं उसके भीतर में? तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इतनी बार वो जन्म से, यदि उनके जन्म के समय उसके सामने एक रिकॉर्डिंग मशीन रख दे ना कोई, एक वॉइस रिकॉर्डर, तो आपको पता है 10-15 साल बाद उस वॉइस रिकॉर्डर को सुनेंगे तो आप कितने बार उसको डांटे और गलत शब्द बोले हैं, और कितनी बार उसको ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते बोले हैं। वो सबको संकलित कर लिया जाए ना, और वो उसके सब कुछ भीतर जा रहा है, और अंत में जब बड़ा होता है तो कहा ये काम कर लो, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको आपने हजारों बार कह दिया है आप ये काम नहीं कर सकते, आप बिगाड़ देंगे, आप बदमाश हैं, आप शैतान हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो बन करके दिखा देगा। वो आपको वो शब्द बोलना ही नहीं। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले, मान लो इसको ना भी मानो तो कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आए उस दिन से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो, ये आप मानते होंगे, कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा गर्भ में आता है वहीं से, देखो माँ का खाना बच्चे का खाना होता है, माँ का पानी पीना उसका पानी पीना होता है, माँ का श्वास लेना बच्चे का श्वास लेना होता है, सब कुछ, तो माँ का सोचना बोलना सब कुछ उसका हो जाता है। और ये कहानी जो आप लोग शायद कभी महाभारत में सुने होंगे कभी कथा में, कि जब अभिमन्यु गर्भ में था और उसकी माँ को कोई तकलीफ रही, तो अर्जुन उनको कथा सुनाने लगे। कुछ कौन सी कथा सुनाने लगे? चक्रव्यूह भेदन का, जो 7 चक्र के बारे में आता है वो भेदन सुना रहे थे। चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है? अब उस समय के रजवाड़े यही सब जानते थे ना, तो जो जानते थे वही तो बताएंगे, इसी की विद्या हासिल किए थे, तो वो बता रहे थे कि छह चक्रव्यूह भेदन कैसे भेदा जाता है। तो कहा जाता है कि 6 चक्र तक तो वो सुनती रही और अंदर में अभिमन्यु सुनता रहा। कहाँ तक सच है ये बात अलग है। और 7वें चक्र को जब वो सुनाने लगे थे तब तक उसको नींद आ गई थी, और 7वां चक्र भेदन के बारे में सुन नहीं पाए। और आप अब हम सभी जानते हैं जो चक्रव्यूह भेदने की बात आई, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना की, तो फिर सारे पांडव कहे मैं नहीं जानता, केवल अर्जुन जानते थे। अर्जुन को जानबूझ करके दूर उनको युद्ध में उलझा दिया गया था। और फिर अभिमन्यु ने कहा 6 तक तो मैं जानता हूँ। लोगों ने कहा अरे 6 तक तुम तोड़ दोगे, 7वां हम सब भी तोड़ देंगे। और सच क्या हुआ, वो कोई प्रवेश ही नहीं कर पाए सिवाय अभिमन्यु के, लेकिन 7वां जानता नहीं, और वही 7वां पर मारा गया। सच है,
मैं कभी कभी मन में होता है, जब वो बड़ा हो गया अभिमन्यु तब पूछ लेना चाहिए, पिताजी वो सातवां बता दो कहकर, न तो पूछे न अर्जुन ने बताया। अर्जुन को क्या पता कि पता नहीं सातवां है कि नहीं कह करके, शायद हो सकता है भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो नहीं थे उस समय। खैर ये तो अलग विषय हुआ। मैं ये कह रहा था गर्भ से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और गोद में आने के पश्चात तो कहना ही क्या है। हर शब्द उसके प्रभावित करते हैं आपके, हर एक्शन प्रभावित करता है आपका, घर के लोगों का, उनकी नजरें देखती रहती हैं, उनकी कान से आप आवाज जाती रहती है, सब महसूस करता है वो। आप कोई भी गलत एक्शन करेंगे आप उनके अंदर में नकारात्मकता डाल रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, मैं कई बार इस बात को कहा करता हूँ, बच्चों को आप क्या देते हैं वस्तु के रूप में, धन के रूप में, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता है। क्या संस्कार देते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्या संस्कार देते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्या डाल रहे हैं उसके उनके भीतर में। बच्चे का मतलब समझ रहे हैं आप, सेविंग अकाउंट, बचत खाता। आप जो बचत खाता में जमा करते जाते हैं वही तो आप आगे चल करके आप उसमें से निकालते हैं, वहीं से तो आप विड्रॉल करते हैं, वहीं से तो चेक काट के निकालते हैं, वहीं से तो आप ट्रांसफर करते हैं। बैंक ट्रांसफर कहां से करते हैं, जो आपके पास जमा है उसी को तो बच्चे के अंदर क्या जमा कर रहे हैं वही आप निकालेंगे। यदि बच्चे के अंदर में आप लोगों ने अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाया है, क्रोध का माहौल बनाया है, निंदा और चुगली का माहौल बनाया, जनरली करते क्या है, गलती कहाँ होती है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप गलती करते हैं, लेकिन जो होती है जनरली गलती वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जब कोई मेहमान आए तो उनके सामने सब भी अच्छी बातें करते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, और जब मेहमान जब चला जाता है ना तो उनकी निंदा करने लगते हैं घर के लोग। सही कह रहा हूँ, और वो बच्चा सुनता है। वो क्या समझते हैं, सामने होने पर प्रशंसा करो और जब चला जाए तो निंदा करो। वो सीख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप, वही सीख दे रहे हैं। फिर आपके जीवन में कोई घटना घटती है, प्रतिकूल घटना घटी, तो आप कैसे फेस करते हैं, नाराज होते हैं उस समय, उद्वेगित होते हैं, चिल्लाते हैं। बच्चा सीख जाता है जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो चिल्लाना है, क्रोध करना है, कटु शब्द बोलना है, ये वो तरीका सीखता है। वो तो उस बचपने से तो कुछ सीखा ही नहीं रहता है। अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है तो झूठ बोलना सीखा रहता है, गाली देना सीखा रहता है, कहां से सीखता है, कौन सिखाता है। आप कहेंगे नहीं घर वाले नहीं सिखाते, वो बाहर घूमने बच्चों के साथ जाता है सीख जाता है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जब बच्चे स्कूल से आते हैं और घर में बस्ता फेंक देते हैं और निकाल जाते हैं खेलने के लिए, क्या आपने कभी चिंता की है कि मेरे बच्चे जिन मित्रों के साथ खेलता है या उनके मित्र कौन है, उनके संस्कार कैसे हैं, उनके परिवार के लोग कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या आपने कभी पता किया है। कौन पता करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। एक चीज मैं पूछूं, आप बच्चे को अच्छा भोजन मिले ये किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। उनको अच्छा कपड़ा मिले ये किसकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो अच्छे स्कूल में एडमिशन ले आपकी जिम्मेदारी है, उसके कापी पुस्तक की जिम्मेदारी आपकी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो उनके मित्र कौन हो ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, भगवान भरोसा, समाज भरोसा, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आप कहेंगे चाहे जिस मित्र के साथ रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या बताऊं मैं, फर्क कह रहे मित्र के संगत, कौन से मित्र है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज पूछूं आपसे, आप लोग अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, घर में फ्रिज रखे हैं, अधिकतम घरों में फ्रिज होगा ना, अच्छा क्यों रखते हैं फ्रिज, क्यों रखते हैं फ्रिज, मैं बता दूं, सभी लोग बता रहे हैं वही बात, सामान खराब ना हो इसलिए, सही है ना, इसलिए फ्रिज रखते हैं। अच्छा घर में बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन रखे हैं, कौन सी मशीन रखे बताओ, है कोई मशीन नहीं,
क्या आपने कोई सिस्टम अपनाया है जिससे उनको अंदर में अच्छे चीज डालें? मैंने कहा ना, यदि क्रोध डाल रहे हो तो क्रोध लौटाएगा, प्रेम डाल रहे हो तो प्रेम लौटाएगा, विनम्रता, शालीनता, मीठे शब्द उनके अंदर डिपॉजिट करते जा रहे हो, वो लौट आएगा आपके बुढ़ापे में। बच्चे के आप बचपने को सुंदर बना तो रहे हैं, साथ साथ में आप अपने बुढ़ापे को सुखद बना रहे हैं, सही है ना? क्योंकि वही वो लौट आएगा, वही लौट आएगा। मुझे एक उदाहरण याद आया, ये उदाहरण मैं प्रायः कभी कभी कहा करता हूँ, ज्यादा नहीं कहता हूँ, कभी कभी। इलाहाबाद में ये अपना जो प्रीतम नगर, कभी जो इलाहाबाद आश्रम गए हो लोग जानते हैं, आजकल पहले प्रीतम नगर में रहा करते थे, अब कबीर नगर जो गंगा के किनारे आश्रम बना है वहाँ रहा करते हैं। लेकिन तब की बात है जब केवल प्रीतम नगर का ही आश्रम बना था, और उस समय जो प्रीतम नगर कॉलोनी थी उसमें निवास करने वालों की संख्या बहुत अल्प थी। चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, लोग कम, तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। तो शाम के समय कई बार संत लोग उधर भ्रमण के लिए निकल जाते थे, क्योंकि खाली जगह है, सड़कें अच्छी हैं, लोग कम है, ट्रैफिक है नहीं है, तो घूमने चले जाते थे। लेकिन कुछ तो मकान थे, काफी मकान थे रहने के लिए, और वहाँ प्रबुद्ध लोग रहते थे, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी रहते थे, अच्छे लोग रहते थे। एक बार दो संत जा रहे थे तो एक दरवाजा के सामने दो बच्चे साफ सुथरा कपड़ा पहन करके दोनों खड़े थे, और जैसे ही संत उनके दरवाजे के सामने से सड़क से गुजरने लगे तो दोनों बच्चों ने क्या किया, हाथ ऐसे जोड़े और क्या कहते हैं, नमस्कार महाराज जी। हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, नमस्कार महाराज जी। इतनी बातें संत लोग सुने तो बहुत इम्प्रेस, प्रभावित हुए, कितने सुंदर बच्चे हैं। फिर खड़े हो गए और क्या कहते हैं, अच्छा बेटो आप लोगों का नाम क्या है, क्या उत्तर देते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर क्या कहते हैं, श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है, श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज मैं समझता हूँ ये घटना शायद 35 से 40 साल हो गए, आज आपके सामने बता रहा हूँ। क्या आप सब नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इस प्रकार से लोगों के सामने पेश आए? कौन सिखाएगा उसको, कौन सिखाएगा, आप ही तो सिखाएंगे, कौन संस्कार देगा? किसी बच्चे को उपहार न दो, कुछ घंटे रोएगा। फिर से ध्यान दीजिए, किसी बच्चे को उपहार न दो, कुछ घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर रोएगा, जीवन भर रोएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये तो पंक्ति सुने हुए बचपन से सुनते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। आप धन दीजिए, अवश्य दीजिए, ये आप उनको जितना दे सके, लेकिन क्या उस धन के रक्षा करने के लिए भी अकल दे रहे हैं, या धन की वृद्धि के लिए भी कुछ अकल दे रहे हैं? आप कहते हैं कोई चिंता नहीं है, मेरे पास तो इतना धन है ना कि 7 पीढ़ी भी खाए तो खत्म होने वाली वाला नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, आज यदि आपके बच्चों को जो मित्र है ना वो गलत हो गए, और बच्चे के जो स्वभाव गलत हो गया, तो आपकी जो 7 पीढ़ी तक चलने वाला धन 7 साल में खत्म हो जाएगा, 7 साल में खत्म हो जाएगा। आप गुमान क्यों करते हैं धन का, उसको अच्छे संस्कार देना और ये आपका दायित्व है। देखिए, आप बच्चों को, मैं एक चीज पूछूं, आप देश का, एक अच्छे देश के निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, एक सुंदर और मजबूत राष्ट्र बनाने में, एक सुंदर राष्ट्र निर्माण में आपका क्या सहयोग हो सकता है, सुंदर समाज रचना में आपका क्या सहयोग हो सकता है, एक सुंदर परिवार के निर्माण में आपका क्या सहयोग, क्या कर सकते हैं आप सहयोग, मैं बताऊं, बड़ा सरल है ये, आप अपने बच्चों को सही इंसान के रूप में विकसित करें। आइंस्टीन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक बार एक सभा में वो स्पीच देने के लिए खड़े हुए, ऐसे मंच रहा होगा,
इतने में एक बुजुर्ग खड़े होकर कहे, आप वैज्ञानिक लोग बहुत सारे उपकरण, बहुत सारी खोज कर दिए हो, लेकिन क्या इससे दुनिया का वातावरण कहाँ शांत हुआ? अभी भी देखो संघर्ष, अभी भी वातावरण में वह मनुष्य कटुता है, कला है। ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे परस्पर का प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, एक दूसरे के सहयोगी बने, वो उपाय बताइए। आइंस्टीन ने क्या कहा, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में सुख और शांति का वातावरण कायम हो तो इसके लिए अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और आप जानते हैं ना, अच्छे इंसान किसी प्रयोगशाला में नहीं पैदा होता है, आपके बीच आते हैं। और आपका दायित्व तो है एक अच्छे इंसान के रूप में उन्हें विकसित करें। और क्यों, यही बच्चे हैं आगे चल करके जो हमारे देश के नेता बन सकते हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनेंगे, साधु बनेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपके दिए हुए संस्कार काम आते हैं। मैं महाराष्ट्र आया था ठीक कबीर जयंती के पहले, अभी इसी साल की बात बता रहा हूँ, जून की बात बता रहा हूँ। तो जिसके घर रुका था तो उसका घर वाले का एक बेटा मलेशिया में, अभी बल्कि जब आ रहा था ट्रेन में तब भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ उनसे बात हुई जो मलेशिया में थे, पहले भी मिल चुके थे, फिर कहा कि साहब जी आए हुए हैं, तो फोन लगा दिए कि साहब जी थोड़ा बात करो। कहा साहब आप आए थे, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ से चला गया, और कभी भी आऊँगा तो फिर आपसे मिलूँगा। ये बातें हुई, फिर बातें कहे कि साहब जी जो घर में संस्कार मिले हैं, जो संत लोग आते थे उनसे जो संस्कार मिले, यहाँ बड़ा काम आता है। मैंने कहा जो संस्कार अच्छे होते हैं, पवित्र संस्कार, आप धरती के किसी कोने में चले जाएं वो काम ही आएगा, किसी भी देश में चले जाएं, अच्छे लोगों की सभी लोग सम्मान करते। क्यों, एक विनम्र व्यक्ति, एक धैर्यवान, एक सहनशील, एक क्षमा करने वाला, एक सहयोग करने वाला, दूसरों को सम्मान देने वाला, अपनी गलती पर तुरंत क्षमा मांग लेने वाले व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं। क्या यह संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए आवश्यक है। अच्छा कब होगा ये? मैंने कहा था ना, परस्पर का प्रेम, परस्पर का प्रेम, ये बहुत जरूरी है। प्रेम का होना, प्रेम का होना बहुत जरूरी है। पति और पत्नी का ही नहीं, आपस के रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम और विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो लोगों को जोड़ के रखती है। जैसे जब दीवार बनाते हैं ना, दीवार, तो दीवार बनाते हैं तो ईंटों को रखते चले जाते हैं, लेकिन केवल रखते नहीं है, ईंटों के बीच में गारा डालते हैं। क्या है का? सीमेंट और बालू का, सीमेंट। क्यों? वो गारा ही है जो ईंटों को जोड़ के रखता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़कर रखने वाला जो गारा है ना, वो है प्रेम और विश्वास का। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। ऐसे ही जब परस्पर का प्रेम कमजोर हो जाता है तो फिर लोग बिखरने लगते हैं, भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा, साथ नहीं रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं? प्रेम कम हो गया है। और प्रेम बड़ा अद्भुत चीज है, वो प्रेम बहुत अद्भुत चीज है। ये प्रेम का मतलब है पौधे की तरह, पौधे की तरह उसको सींचते जाओ, सींचते जाओ, पौधा हरा भरा रहेगा, पुष्पित पल्लवित होगा। और जब सींचना बंद कर देते हैं, पौधा कुमलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को जब सींचना बंद कर देते हैं, जब सींचते हैं तो प्रेम हरा भरा रहता है, और प्रेम को जब सींचना बंद कर देते हैं, प्रेम भी कुमलाने लगता है। ये अद्भुत है। क्या आप सींचते हैं? सींचते हैं प्रेम को? कैसे सींचते हैं? अच्छा कहते तो हैं मैं प्रेम करता हूँ, मैं मैसेज भी भेजते रहते हैं,
चित्र ही बना के भेजेंगे, वो करेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और इंग्लिश में भी लिखते रहते हैं। समझते भी हैं कि बस एक दूसरे का देखा सीखी करते रहते हैं। प्रेम कहते किसे हैं? सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या कहा उन्होंने? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने कहा है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरु नाच, पानी दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। अब इन साखियों का अर्थ करने का अवसर नहीं है, लेकिन जो मैसेज है वो बताता हूँ मैं। वो कौन सा है प्रेम का अर्थ? प्रेम का अर्थ इतना ही है, दूसरे के हित की चिंता। ये ध्यान दो, दूसरे के हित की चिंता। कैसे? पति ये सोचे, ये चिंता करे, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा प्रयास करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं। और यही पत्नी सोचती है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे पति अधिक से अधिक प्रसन्न रहे और उन्हें अधिक से अधिक आराम मिले। दूसरे के हित की चिंता। पत्नी पति के हित की चिंता कर रही है और पति पत्नी की हित की चिंता कर रहे हैं। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। यही भाई भाई की बात है, यही पिता पुत्र की बात है, यही सास बहू की बात है, ननद भाव, किसी भी संबंध को ले ले, चाहे वो गुरु शिष्य हो, कोई भी। हित की चिंता करो, उसका भला कैसे हो। लेकिन उल्टा करते हैं हम, मेरा भला कैसे हो, सही है ना, मुझे कैसे मिले। घर में ही चार साड़ियां आ गई। अच्छा, साड़ी के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा परीक्षण करना चाहे, सब बराबर एक ही पैसे चलाए थे ना, एक ही कीमत का था। आप एक को कह दिए ये थोड़ा से 1000 रुपये का है और ये जो है वो 1200 रुपये का है, तो चारों घर की महिलाएं क्या सोचे 1200 वाले मुझे मिल जाए, सही है ना, क्या चाहेंगे, नहीं ये सास को मिल जाए। अरे मैं तो इतने दिन पहन चुकी हूँ, बहू पहन ले, और ये सास नहीं, बहू नहीं सोचेगी मेरा तो पूरा जीवन पहनना है, सास माता पता नहीं कब तक जीवन रहे, वो पहन ले, नहीं मुझे मिले, नहीं मुझे मिले। प्रेम सूख जाता है, समझ रहे हैं ना, प्रेम सूख जाता है। जब दूसरों को देने का भाव जगता है, दूसरों के हित की चिंता, फिर आपकी चिंता होने लग जाती है। मैं बताऊं आपको, एक माँ थी, माँ कहना नहीं चाहिए, घर था, तो नई बहू आई थी। नई बहू आई थी तो कुछ दिन बीते थे, घर में कोई बड़ा कार्यक्रम था, जैसे आप लोग अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई इससे भी बड़ा कार्यक्रम रहा होगा। तो एक साथ गाड़ी में भर करके बाजार से सामान खरीद के घर आ गया। अब उस सामान को घर के अंदर लाना है, तो घर में जो माताजी थी, जिसको कहना चाहिए सासू माँ, वो सामान वहाँ से, और लोग भी रहेंगे, सासू माँ उठा करके बाहर गाड़ी से वो घर के अंदर ले जा रही थी। तो बहू ने देखा कि माताजी, माँ जो है वो सामान ला रही, वो भी सहयोग करने लग गई, माँ मैं भी करूँ। उन्होंने कहा नहीं, रहना तो बेटी मैं कर लूँगी, आप तो नई नई हो, छोड़ दो अभी, नहीं नहीं मैं भी करूँगी। तो एक डिब्बा था घी का, पूरा डिब्बा भरा, तो 15 लीटर कितने का घी आता है, पूरा डिब्बा था, बड़ा सा डिब्बा, और वो घी लेकर के बहू रानी घर ले जा रही थी। अब वो सीढ़ी में उतरते समय उसके पैर में शायद साड़ी फंसी, कपड़े फंसे, कैसे हुए वो फिसल के गिर गई। और जब गिर गई तो डिब्बा गिर गया, और डिब्बा गिर गया तो डिब्बा फटा और पूरा दही बिखर गया। क्या हुआ? इतने में सासू माँ दौड़ के आई और क्या कहती है कि बेटी तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? उसने कहा माँ चोट तो नहीं लगी, लेकिन घी खराब हो गया। अरे घी की चिंता मत करो, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना, घी फिर आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना, तुम तो ठीक हो ना? उसने कहा नहीं ठीक हूँ। ये बात बीत गई, समय समाप्त हो गया, दिन बीतने चले गए, बीतते चले गए, कई साल बीत गए। सासू माँ को की तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई, इतने प्रकार से, वो बिस्तर पर ही सारा काम होता था फिर उसका,
खराब होते होते कुछ दवाइयाँ हुई, कुछ होने लग गया, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई बिस्तर पर ही उनको भोजन देना, बिस्तर पर ही नहलाना धुलाना, जो भी मलमूत्र त्याग है सब बिस्तर पर। अब घर में तो और कोई नहीं, तो उसकी जो बहू थी वो बड़ी तत्परता से सेवा करती थी, सारा काम, घर का भी सारा काम, अपनी सासू माँ का भी सारा काम सब करती थी। और इसमें वो अपनी जो माँ थी मायके वाली, उनके साथ में कभी बात भी नहीं हो पाती थी, जा भी नहीं पाती थी। उनको भी सूचना मिली थी कि मेरी जो समधिन है वो अस्वस्थ हैं और मेरी बेटी उसी में लगी रहती है सेवा में, चाहे उसकी गंदगी साफ करना हो, जो भी करना हो सब वो अपने हाथ से कर लेती है। सोची कि चलो उससे मिलना भी हो जाएगा, बेटी को देखना भी हो जाएगा। तो आए दोनों प्राणी, आए तो देखी कि बेटी जो है दिन भर व्यस्त रहती, सुबह से शाम तक के पूरा उनका भोजन नहलाना धुलाना खिलाना, उसके मल मूत्र साफ करना, वो करना। ऐसा करते करते दिन बीत गया, शाम को जब पूरी तरह फुर्सत पाई तो माँ के पास गई और कहा, उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत व्यस्त हो, कितनी व्यस्त, परेशानी तो नहीं? कहा है कि परेशानी, मेरा काम है, मुझे सेवा करनी है। उसने कहा, लेकिन ये जो गंदगी साफ करती मल मूत्र को, तुम्हारे मन में घृणा नहीं होती, दुर्गंधी नहीं आती तुम्हें? उसने कहा, नहीं माँ, इसमें दुर्गंधी नहीं आती, जब उसको साफ करती हो तो उसमें घी की सुगंधी आती है। उसने कहा, घी की सुगंधी आती है? तब वो घटना बताई, पता है जब मैं शुरू शुरू में आई थी और घर में सामान आया था, घी का डब्बा मैं घर ला रही थी और घर के अंदर इसने में घी कट गिरा और घी के डिब्बा बिखर गया और मेरी सासू माँ ने आकर कहा, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उन्होंने घी के बारे में एक शब्द नहीं पूछा, मेरी चिंता की, मैं चिंता न करूं, मैं सेवा न करूं, मुझे खुशी होती उनकी सेवा करके। मैं क्या कह रहा हूं, बीज बोना पड़ता है, समझ रहे ना, बीज बोना पड़ता है। कबीर साहब की पंक्ति याद है, याद कर लो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, और क्या है आगे, आम कहाँ देखा है। सही है, याद कर लो, नहीं है तो याद याद कर लो, बड़े काम की चीज है ये। इतना सटीक पूरे शास्त्र का निचोड़ दे दिए, जीवन का निचोड़ है ये पंक्ति में, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कांटा बो करके कभी भी आप मीठा फल नहीं पा सकते। आप बीज बोएंगे, अर्थात प्रेम का जब बीज बो देते हैं तो प्रेम लौट के मिलता है। मैं एक सूत्र कहा करता हूँ, क्या कहता हूँ, ये सब चीजें हैं जो हम दूसरों के जीवन में बोते हैं, याद कर लो ये सूत्र, शायद काम आए आपके। जो हम दूसरों के जीवन में बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं, जो हम दूसरों के जीवन में बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। क्या बोते हैं, यदि दूसरों के जीवन में आप क्रोध बोते हैं तो क्रोध की फसल काटोगे, घृणा बोते हो, द्वेष बोते हैं तो द्वेष और घृणा की फसल अपने जीवन में काटोगे, नफरत बोते हो तो नफरत की फसल काटोगे, लेकिन प्रेम बोते हो तब, विश्वास बोते हो तब, करुणा बोते हो तब, क्षमा करते हो तब, दूसरों की गलती को क्षमा कर देते हो, आपको भी क्षमा मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी गलती पर तो क्षमा चाहते हैं और दूसरों की गलती पर दंड लेना चाहते हैं, नहीं क्षमा करना चाहते हैं। मैं एक सूत्र बताऊं, जब तक आप दूसरों की गलती को क्षमा करके बीज नहीं बोएंगे, आपको अपनी गलती पर क्षमा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये लेन देन का ही व्यवहार होता है, जो आप देते हैं वो आपको मिलता है लौट करके। न यहाँ कोई भगवान, न भगवती, न देवी, न देवता, वो अपने जगह होंगे, रहने दो उनको अपनी जगह, काम करने दो उनको, लेकिन आपके जीवन में इंटरफेयर करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। कल अवसर मिलेगा तो फिर इस पर बताऊंगा विस्तार से। आज 9:30 हो भी गए हैं, इतने ही समय, कितना समय तक मुझे बताया नहीं गया। भैया कमल जी बैठे हैं क्या, बंद करूं? सही,
थक गए होंगे सुनते सुनते, बहुत देर से बोल रहा हूँ। कुछ बातें मैंने कही, हमें ध्यान रखना है, अपना तो रखना ही है बच्चों के लिए, और ये संस्कार बच्चों को देते हैं आप। मैं एक चीज और बता दूं साथ साथ में, कुछ कई बातें बताई, आप घर का माहौल कैसा है, माता पिता का माहौल कैसा है, आपने कैसा इन्वायरमेंट तैयार किया है, उसी से संस्कार बनते। यदि घर वाले ही गाली देते हैं, क्या बताऊं मैं, घर वाले ही को मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, बच्चे के अंदर में सोख रहा है, समझ रहे हैं, वो सोख रहा है और वो फिर लौट आएगा। ये महात्मा लोग उदाहरण देते थे कि एक भाई था, भाई क्या बताऊं उनको, वो उनके मुंह से छोटी छोटी बातों को लेकर के कहते थे, ये साले कहीं का, वो साले कहीं का, ऐसे किसी किसी शब्द नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों में वो बातें करते हैं, साले कहीं का वैसे। ये ख्याल आया, गुरुदेव जी के साथ हम लोग भ्रमण में होते थे इन्हीं छत्तीसगढ़ में, न जाने कितनी बार हम लोगों ने उनके साथ में गाड़ी से, ये वहाँ चार पहिया वाहन से हम लोग कहाँ कहाँ कितना भ्रमण कर लिए, भारत के कई कोने पर, कई प्रांतों पर जा करके। तो ड्राइवर आते थे गाड़ी लेकर के गुरुदेव जी को लेने के लिए, तो कभी कभी ड्राइवर के सामने कोई बिल्ली आ गई, कोई कुत्ता आ गया, कोई ऐसी क्रॉसिंग कर दिया, गाड़ी गलत ढंग से चलाया, तो ड्राइवर क्या कहते, इस साले कहीं का। तो गुरुदेव जी कहते, बेटा एक साला बनाए तो फंस गए, कितने साला बनाओगे, जिसको मिलते उसको साला करते चले जाते हो। शायद वो आदमी वैसे ही रहा, छोटी छोटी बातों में घटना में साला कहा करता था। तो छोटा बच्चा था वो भी सीख गया। एक दिन क्या हुआ, घर में संत आए, गुरुजी आए, तो वो बच्चा जब संत आए तब तो स्कूल चले गए थे, गुरुजी आए घर में तब, तो जब वो लौट करके आए शाम को 4-5 बजे, तो माँ ने कहा, बेटा गुरुजी आए हुए हैं और कमरे में हैं, आप जा करके बड़ी तरह से फूल ले आना, फूल ला करके बंदगी कर लो, प्रणाम कर लेना जा करके। गया, फूल ले करके आया, और ऐसा संजो जो गुरु जी थे वो शायद बाथरूम चले गए थे, कमरे में थे नहीं। वो लौट कर क्या कहता है, ये साले गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बंदगी करने गया था थे ही नहीं। हंस रहे हैं ना, कहाँ कौन डाला उसके अंदर में, जन्म से सीख के आया। कई बार होता है मोबाइल में फोन आया, अब बच्चे बहुत जल्दी मोबाइल उठाना चाहते हैं, उठाएंगे तो कौन बोल रहा है, अमुख है, कह दो नहीं है, कहे आप तो हैं पिताजी, कह दो नहीं है, बड़ा असमंजस, बहुत असमंजस में है, वो कह रहे नहीं है, है ना, कौन सिखा रहा है। फिर अगली बार क्या कहेगा, वो समझ गया है, कोई फोन करे तो कह दो नहीं है। फिर दो दिन के बाद फोन आया, किसका फोन था, मैंने पिताजी मैंने कह दिया नहीं है कह करके, कौन था, अमुख, अरे मूर्ख, उनसे मुझे बात करनी थी। आप सोचो, आचार्य नरेंद्र देव जो अयोध्या फैजाबाद के थे, बहुत बड़े, वो गांधी के समय के थे, बहुत अच्छे विचारक थे, एक स्टेशन का ही नाम रख दिया वहाँ आचार्य नरेंद्र देव। तो एक बार वो अपने मामा जी के यहाँ थे, ऊपर थे, तो कोई सज्जन आए मिलने के लिए, अब उसने जाकर कह दिया, क्या कर बेटा, जाकर कह दो कि मामा जी नहीं है घर में, 2-3 बार कहे जाके बता दो उनको, मामा जी नहीं है घर में। वो गया, कहा दरवाजा खोल कर सज्जन से कि मामा जी कहते हैं कि कह दो घर में नहीं है मामा जी, इसका मतलब मामा जी हैं तो, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं है कह दो। अब ये बात ऊपर से मामा जी सुन रहे थे, उनके ऊपर तो हजारों घड़ा पानी पड़ा, आया शरमाते शरमाते मिलना पड़ा उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि बच्चे से कभी गलती हो भी जाए, गलत जगह जाकर सीख भी गए, आपका काम है। आप यदि उनको प्रेम देते हैं तो कभी कभी कोहनी से थोड़ा मारना भी सीखे, धकियाना भी सीखे। दिल्ली की घटना है, एक रात में 12 बजे लगभग दरवाजे को खट 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 की आवाज आई, तो घर के जो मालिक थे, बुजुर्ग थे, बड़े समझदार सज्जन, वो दरवाजा खोले, खोल कर देखे, बाहर बाहर में पुलिस अफसर और कई पुलिस कर्मी हैं। तो उन्होंने कहा, अरे पुलिस रात में, उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या बात है। तो पुलिस के जो अधिकारी था, जो शायद थाने इंस्पेक्टर जो भी रहा होगा, उसने ये फोटो दिखाया, अच्छा आप इसको जानते हैं, हाँ ये मेरे बेटा है, कह रहा हूँ उनको गिरफ्तार करने हैं, कि क्या बात है। उन्होंने कहा इधर चांदनी चौक में कुछ बच्चे किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे और उन्हें हम लोग पकड़ने आए हैं। पिता स्तब्ध, उनका रुको मैं आता हूँ। गया घर के अंदर,
पिता कुछ लड़का कुछ देर पहले ही आकर के सो रहा था, जगाया, उठो। और उन्होंने कहा, बताओ क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे तुम वहां पर। सारी बातें जब पिता ने कही तो वो, अब चूंकि घर की मर्यादा थी, वो एक सभ्य घर था, शालीन घर था, तो कुलीन घर था, वो सिर झुका करके खड़ा रहा, कोई जवाब पिता को नहीं दिया। वो पिताजी समझ गए इसने जरूर गलती की है, और फिर पुलिस से कह दी है कि आप आए और मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लें, ऐसी कहा। और जब जब गिरफ्तार करके बेटा को ले जाने लगे तो बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी को उसने पिता ने कहा इधर आइए थोड़ा सा, आए और 5,000 रुपया उनको देते हैं और क्या कहते हैं, इस मेरे बेटे की ठीक से मरम्मत करना, ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ठीक से मरम्मत करना, ताकि अगली बार कभी भी वो किसी लड़की के लिए ऐसा ऐसी हरकत न कर सके, समझ रहे हैं ना। और आप होते तब क्या करते, 5,000 देते मेरे बेटे को छोड़ दो कह करके, क्या मैं सही कह रहा हूँ। आप यदि उसी गलती का पोषण करेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा वो, यदि वो सही है तो सही है और गलत है तो आप उन्हें गलत कहें और उसको कभी भी पक्ष न लें। आप उनको गढ़े, आपको उनको निर्मित करना है, वो नहीं समझ रहा है कुछ भी। पैसा जिनके पास ज्यादा होता है ना, वो उनको पैसा देते चले जाते हैं, ले ये खर्च करो वो खर्च करो, आप उनको बिगाड़ रहे हैं। आप उन्हें धन की अहमियत भी बताइए, केवल उनको धन मत देते चले जाइए, धन की अहमियत बताइए। मैंने सुना है एक सर्कस था, सर्कस की पूरी टीम आती है, आप लोग जानते हैं, कभी देखे होंगे सर्कस में, और कितने उसमें जानवर रखे जाते हैं और कितनी बड़ी टीम होती है जो बहुत सारे उसमें करतब दिखाते हैं। तो वहाँ पर शेर भी आए थे, शायद 12 शेर रखे थे वो, और सबका करा वो कर्मद वो जो एक्शन दिखाते थे उनके बारे में लोग देखते थे, और बहुत सारे उनके विशेषताएं होती थी वो दिखाते थे। अंत में सरकार ने उनको कहा कि देखो शेर को आप अपने सर्कस में तमाशा के लिए मत लाइए, आप उनको टार्चर करते हैं, ये हमारा देश का राष्ट्रीय पशु है, इसको टार्चर करते हैं, आप खेल सर्कस में ये खेल दिखाना बंद कर दीजिए। अब बंद तो कर दिए, लेकिन कहाँ करें उसको, उनको फिर जंगल में छोड़ देना पड़ा। और जब जंगल में छोड़ दिए तो क्या पता चला कुछ महीने के बाद में, उनमें से जो 9 शेर है उसे जंगली कुत्तों ने मारकर खा गया। इंक्वायरी हुई, शेर को कुत्ते कैसे मार सकते हैं, तो पता क्या किया गया, पता क्या चला, वे जो 9 शेर थे ना, 9 शेर जो उसी पिंजड़े में ही जन्म लिए थे, मतलब सर्कस के जब लाए थे तभी वो जन्म लिए थे, और वो कभी भी शिकार करना नहीं जानते, उन्हें रेडीमेड भोजन मिलता रहा। क्या कहा, रेडीमेड भोजन मिलता रहा, तो शिकार करना ही नहीं सीखे थे। फिर उसने क्या कहा, ऐसे ही कई माता पिता हैं जो बच्चों को रेडीमेड देते रहते हैं, उन्हें कभी भी स्ट्रगल करना मेहनत करना सिखाया ही नहीं है, क्या होगा, वही होगा जो शेर की दशा हुई है। आप धन कमाने की उनमें धन के बारे में अहमियत बताइए, ऐसे नहीं आ जाता है धन, ये अब उनको यूं ही सामान मत देते रहिए, उनको काम सिखाइए, उनको मेहनत सिखाइए, और उसके बारे में बताइए कि धन यूं ही नहीं आता है। तो ये कुछ बातें मैंने कही जो आपको बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। और मैं भी एक चीज चलते चलते बता दूं, बच्चों को अच्छा बनाने के पहले आपको अच्छा बनना पड़ता है, आपको अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि आप ही अच्छा नहीं होंगे तो आप बच्चे को कभी भी अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए आप एक अच्छा इंसान के रूप में बच्चों का निर्माण कर सकें तो एक सुंदर समाज, सुंदर और सुंदर राष्ट्र निर्माण में आपका सहयोग मिलेगा। मैं समझता हूँ ये देश सेवा है, समाज सेवा है, परिवार सेवा है, और सबके लिए मानव सेवा है, मतलब कहना सृष्टि की, एक सही इंसान जब आता है सृष्टि में तो बहुतों का लाभ होता है, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, ये बड़े बड़े नाम है, कोई बात नहीं, छोटे नाम सही, लेकिन अपने स्तर से वो लोक हित का कार्य करते हैं। आप सभी इस दिशा में आगे बढ़ें, और उनके लिए खास करके जो आंचल
छोटी बिटिया है साल भर की, उनको उनके माता पिता को हम सबकी ओर से बधाई हो कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दिनों दिन वो उन्नति की ओर बढ़ें, यही शुभकामना है। और आप सबके लिए भी शुभकामना है। और शायद आज से व्रत शुरू हो गया होगा, खास करके जो सामने बैठी हैं, और कल दिन भर व्रत रहेगा, कल शायद तीजा का रहेगा, तो मैं कल आप लोगों के लिए बोलूँगा तीज के विषय में। तीज के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ बातें शायद आप लोगों के लिए बता सकूं, तो आप लोग आएंगे तो कुछ चर्चा करेंगे। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।